हरियाणा के करनाल में दिन प्रतिदिन चोरी की वारदातें बढ़ती नजर आ रही हैं। ई रिक्शाओं की बैटरियां चोर जो है रात के समय उतार कर फरार हो जाते हैं। इस घटना से आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है, क्योंकि लगातार करनाल सीएम सिटी में चोरी की वारदातें हो या फिर गाड़ियों के टायर चोरी की बात हो, लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर के ग्रामीण भी और शहरवासी भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। पुलिस अपना कार्य कर रही है नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चोरी की वारदातें लगातार बढ़ने से शहरवासियों में काफ़ी रोष नज़र आ रहा है। तस्वीरें आपको इस समय करनाल से दिखा रहे हैं, जहां पर चोरी की वारदातों के चलते ई रिक्शा की बैटरियां चोरी कर चोर फरार हो जाते हैं और ये घटना सारी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस वाले आखिर कर क्या रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते वहाँ पर प्रेमनगर में रामनगर में बैटरी चोरी हुई थी, तब नहीं पुलिस वालों ने उनको पकड़ा। जब पता है चोरियाँ हो रही है तो पुलिस वालों को सावधान होने चाहिए, देखना चाहिए भाई। वैसे रात को 3 बजे या बाद 4 बजे कोई 2 बजे बीमारी में जाए पैसे तो अपने घर वालों को लेकर, तब तो पुलिस वाले रोक लेते हैं, तब तो कहते हैं कहाँ जा रहे हो, ऐसे नहीं जाना चाहिए, रात को रोक लेते हैं, जुर्माना लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब जब चोरी हो रही है पुलिस वाले कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, हमारे से ही पूछ रहे हैं और कभी उनको ढूंढ रहे हैं, उनको पहचानो। अगर हम ही पहचानेंगे तो पुलिस वालों का क्या काम है, पुलिस वाले किस लिए बैठे हैं? अगर हम ही पहचानेंगे तो भी हम ही ना ढूंढ लेंगे चोरों को, पुलिस वालों को क्यों जरूरी पुलिस वालों के पास जाएंगे धक्के खाने? हम इसी रिक्शा, हमारे तो 3 लड़कियां हैं, हमारा तो और कोई है भी नहीं सहारा, हमारे सासू सर है वो बेचारे बुजुर्ग हैं, वो बेचारे क्या कहाँ करेंगे, हम एक ही हमारे कमाने वाला, 3 लड़कियां कहाँ से गुजारा करेंगे, हम रोज कमाते हैं उसी से राशन आता है, उसी से खाते पीते हैं। पुलिस वाले हमारे से कह रहे हैं इनकी पहचान करो, हम पहचानेंगे तो तुम अचार डालोगे पुलिस वाले, किस चीज़ की नौकरी कर रहे हो, किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हो तुम लोग? हम तो ये चाह रहे हैं कि भी हमारे या तो चोरों पकड़ के हमारे चोरों को पकड़ो, या फिर हमारी सरकार से ये है कि पुलिस वालों से हमारी बैटरी डलवाओ, हम गुजारा कहाँ से करें? आप सारे देखो सुबह से घर बैठे हैं, हमारा आदमी घर बैठे हैं, कहाँ से गुजारा होगा, कौन पुलिस वाले दे के जाएंगे रोटी हमारे को? क्या नाम है? गौरी। और भाई ढाई 3 बजे का टाइम था, अब घर के सारे सो रहे थे ना, हमारे घर में कुछ ऐसी सुविधा है भाई, जो मान लो हम अपनी तरफ से कुछ कर ले, मतलब साहब तो झंड पे रह जी, रात को थके पिटा आगे पड़े। और फिर बताओ जी उस टाइम फिर कौन उठने लगा घर में से, फिर खड़का खुड़का भी होगा जी, ध्यान दिया नहीं घर को ना, घर के बाहर ही खड़े करते हैं, घर के बाहर ही रह जी, पढ़ने गली में भी किसी तरह चोरी हुई, एक उससे पिछली गली में किसी की डेथ हो रही, उसमें खैर बंदे गए मान लो, उसमें चोरी नहीं हुई, चारों बैटरी ले गए, चारों बैटरी ले गए। तो क्या अपील करेंगे प्रशासन से इस तरह से चोरियां? कुछ अपनी तरफ से, सरकार अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इसका समाधान कर दे, या कोई किसी तरह कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जो आदमी आजकल की पब्लिक जो तंग हो रही हो अपना कंट्रोल में जाए आदमी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जागत लिया जी। रात को जैसे डेली चार्जिंग पे लगाते हैं गाड़ी, वैसे ही रात को 11:30 बजे चार्जिंग पे लगा के और हम लोग सो गए थे। तो सुबह जब मैं 4 बजे नीचे आया हूँ तो अपना बैटरी चेक किया तो उसमें बैटरी आई नहीं थी। तो यहीं नीचे खड़े कर? हाँ जी, डेली यहीं बाहर जैसे खड़ी है, इस टाइम ऐसे डेली यहीं खड़ी होती है और यहीं पे चार्जिंग लगती है, तो जैसे डेली लगाते हैं वैसे ही रात को चार्जिंग पे लगाई है। और सुबह जब मैं आया हूँ तो चेक किया, मैंने इसमें बैटरी आई थी, चोरी हो गई थी। ये रिक्शा को लिए मुझे 1 साल हो गया है, अभी 4 दिन पहले ही मैंने ब्याज पे पैसे उठाकर इसमें 40,000 रुपये की बैटरी डलवाई है, तो अब चोरी हो गई है, मेरा तो कमाई का साधन चला गया। परेशानी तो है जी, जब कमाई का साधन यही है। हाँ, इसी गली में आगे 3 जनों की बैटरी और चोरी हुई है, आगे 2 बैटरियाँ शिवाजी कॉलोनी में चोरी हुई हैं। हाँ जी, सीसीटीवी कैमरे में गाड़ी नज़र आई है, अपना चोरी करते हुए नज़र आए हैं, पर उनका जो चेहरा है और गाड़ी नंबर नज़र नहीं आया। तो क्या मांग करेंगे प्रशासन? अच्छा, से ये मांगे जी, या तो बैटरियाँ दिलवाई जाए, चोरों को पकड़ा जाए, क्योंकि आज तो हमारी हुई है, कल को किसी और के साथ होगा। क्या नाम है? मेरा नाम विजय चोपड़ा है।